हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो फ्रेंड्स, आई एम नेहा सेठी एंड वेलकम टू शेयर मार्केट विद नेहा सेठी। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप शेयर के बारे में, मींस बीसीजी शेयर के बारे में। फ्रेंड्स, मैंने आपको जैसे टारगेट दिए थे सेम वैसे ही टारगेट अचीव हो रहे हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिकॉज आपको नेक्स्ट टारगेट्स भी डेफिनेटली प्रोवाइड करूंगी। सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। एंड स्टार्ट करने से पहले, चैनल को किया है फर्स्ट टाइम विजिट तो प्लीज कर लीजिए सब्सक्राइब एंड बेल बटन को प्रेस करना मत भूलेगा बिकॉज इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे मिस ना हो। सो करंट प्राइस ऑफ बीसीजी शेयर इज 38.50 एंड आज भी इसमें लगा है एक लोअर सर्किट -4.94% का। फ्रेंड्स, मैंने आपको बोला था कि 40 रुपीज इसका सपोर्ट है, अगर 40 रुपीज को ब्रेक कर देगा तो नेक्स्ट टारगेट आप इसमें 35 रुपीज का देखेंगे एंड फ्रेंड्स वही हुआ। नाउ दिस शेयर इज ट्रेडिंग एट 38 रुपीज एंड 52 वीक लो एंड हाई भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। लो इज 7.27 एंड द हाई इज 122.88। तो फ्रेंड्स सोचिए कितना ज्यादा गिरावट हो रही है शेयर में, मोर देन 50% फ्रेंड्स शेयर टूट चुका है एंड नीचे ही नीचे जा रहा है। आज का वॉल्यूम था 50 लाख। फ्रेंड्स, शेयर के नीचे जाने के रीजंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ट्रस्ट इशू, फ्रेंड्स कंपनी पे ट्रस्ट इशू बहुत बड़ा मेजर रीजन है एंड जो इनकी फोरेंसिक रिपोर्ट है अभी तक उस पर कुछ भी आउटपुट नहीं आया। बोनस को लेके बहुत ही बड़ा इशू क्रिएट हुआ था। नाउ इन्वेस्टर्स के अकाउंट में बोनस शेयर आ गए हैं बट इन्वेस्टर्स बोनस का ही वेट कर रहे थे, उसके बाद से उन्होंने सेलिंग प्रेशर इतना है इस शेयर में फ्रेंड्स, इतना सेलिंग प्रेशर है कि अगर बाइंग में भी कुछ ऑर्डर लगा है तो उससे भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, शेयर सिंपली जाके एक लोअर सर्किट में लॉक हो जाता है। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट टारगेट जो आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो नेक्स्ट टारगेट फ्रेंड्स सिंपली इसमें आपको 35 रुपीज का देखने को मिलेगा। 35 इसका स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है और उसके नेक्स्ट टारगेट भी बता देती हूँ। अगर 35 को भी ब्रेक कर देता है फ्रेंड्स, देन आप इसमें 30 रुपीज के टारगेट सिंपली देख सकते हैं। गिरावट ही बनी हुई है। जिस दिन मार्केट ग्रीन थी, पॉजिटिव न्यूज आई थी क्रूड ऑयल एंड एडिबल ऑयल से रिलेटेड कि प्राइजेस कम कर दिए कंपनी ने, बट उस दिन भी बहुत सारे पेनी स्टॉक ने बाउंस बैक किया, उनमें अपर सर्किट देखने को मिला। बट बीसीजी में हमें उस दिन भी एक लोअर सर्किट देखने को मिला। रीजन, सेलिंग प्रेशर नहीं कम हो रहा फ्रेंड्स। सेलिंग प्रेशर के रीजन से ये शेयर मूवमेंट में ही नहीं आ रहा, बस सिंपली एक लोअर सर्किट में लॉक हो जाता है। सो नेक्स्ट टारगेट आप इसमें 35 रुपीज का देखेंगे, उसके बाद आपको 30 रुपीज का टारगेट देखने को मिलेगा। अगर अपर ट्रेंड में टारगेट दिखने हैं तो इसे 40 रुपीज का जो सपोर्ट है दोबारा से उसे ब्रेक करना पड़ेगा, तभी आप इसमें 45 रुपीज का टारगेट देख सकते हैं। बट अभी आपको देखने को तो फ्रेंड्स 35 का ही टारगेट मिलने वाला है। सो बिकॉज मैं आपको सिंपली कह रही हूँ बिकॉज इस शेयर में यही होगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल को किया फर्स्ट टाइम विजिट प्लीज कर दीजिए सब्सक्राइब।